पूर्व विधायक खुमान सिंह शिवाजी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता उनके सुपुत्र सज्जन सिंह जी ने अपना जो है नामांकन दाखिल किया था। निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने मन बनाया था, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी और जिला संगठन मंत्री भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने मनाने आए थे उनको। और क्या रहा उनके पास, उनसे क्या बातचीत हुई, किस निर्णय पे अभी वो पहुंचे, उन बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद संगठन मंत्री, उनसे बात करेंगे कि क्या रहा, बताइए क्या रहा अभी तक और क्या निर्णय लिया गया। निर्णय तो ये है कि ये परिवार के ही कारण भारतीय जनता पार्टी इस नीमच में संघ का तृतीय वर्ष शिक्षित कार्यकर्ता जैसा खुमान सिंह शिवाजी जैसा व्यक्तित्व रहा हो, तो इसलिए परिवार में मनमुटाव होते हैं, ऐसा कोई विषय रहा नहीं है। और माननीय सज्जन सिंह जी ने वापस न किसी दबाव में, न किसी, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर, एक छोटे से आग्रह पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर उन्होंने अपना त्याग, वो जो निर्दलीय फॉर्म भरा था वो वापस लिया है। सज्जन सिंह जी, निर्दलीय आपने फॉर्म भर दिया था, आपकी पीड़ा थी, आपने टिकट की मांग की थी, किस तरीके की आपकी बातचीत मुख्यमंत्री जी से हुई और अब क्या निर्णय आपका जो है रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी चर्चा हुई है, उन्होंने कहा सज्जन भी आप फॉर्म विड्रा कर लें आप, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा भाई साहब आप हमारी व्यथा सुने और फॉर्म तो मैं आपके आदेश से, क्योंकि ऐसा परिवार है कि जिनने अपने खून से इस पार्टी को सींचा है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि पार्टी को नुकसान हो। जो आपसी हमारे मतभेद है वो एक अलग विषय है, तो मुख्यमंत्री जी ने सुबह 10 बजे मुझे वहाँ बुलाया है और उनके आदेश से मैं अभी फॉर्म विड्रा करने जा रहा हूँ। एक बड़ी खबर जो है यहाँ पे सामने आई है कि सज्जन सिंह चौहान ने अपने फॉर्म उठाने का निर्णय ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और सभी यहाँ मौजूद थे और उनके आग्रह के बाद जो है उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात की और मुख्यमंत्री जी ने उन्हें कल वहाँ भोपाल बुलवाया है जहाँ उनकी आपस में फिर बातचीत होगी। लेकिन बड़ी बात यह निकल के आई कि सज्जन सिंह चौहान अपना फॉर्म वापस उठा रहे हैं। कैमरामैन पवन राव शिंदे के साथ श्याम गुर्जर।